भाई अभी तो 12 भी बज गए रात के और ये ऑलमोस्ट घर के बाहर खड़े हैं। ओ 2 बज व्हाट भाई, ये क्या है? उस रूम में जा रहे, प्लीज क्यों जा रहे हो? व्हाट? हेलो, तो स्वागत है तुम लोगों का एक और हॉरर वीडियो में। एंड आज हम लोग जिस हॉरर वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो अभी तक की हम लोगों ने जितनी भी वीडियोस देखी हैं उनमें से सबसे ज्यादा डरावनी है। एंड वो ये वाली वीडियो है। ये थंबनेल में क्या है? देखो, मेरे को हॉरर वीडियो देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट पता नहीं तुम्हें क्यों मजा आ रहा है। एंड तुम्हें मजा आ रहा है इसलिए मेरे को बनाना पड़ता है। भाई मेरी हालत खराब हो जाती है वीडियो बनाते बनाते, बट वही ये काम है इसलिए करना पड़ता है। एंड इसका तो मुझे थंबनेल देख के कुछ ऐसा डरावना सा लग रहा है। आगे ये कुछ खड़ा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है हेल्प मी, एंड इस पे एक भूत अटैक कर रहा है। ओके, लेट्स सी इसमें है क्या। ओके, सो इस वीडियो में इन लोगों को एक 20 साल की लड़की का मेल आया हुआ है जिसका नाम है एम्बर, एंड एम्बर के अंकल की अभी ही डेथ हुई है। तो एम्बर के अंकल की जो भी प्रॉपर्टी थी उसमें एक घर था जो कि वो एम्बर के नाम पे करके गए हैं। एंड एम्बर जब उस घर में रहने गई तो तुरंत ही उसको वहां से निकलना पड़ा क्योंकि उसने उस घर में जो एक्सपीरियंस किया वो बहुत ज्यादा डरावना था। उसने शैडोज देखी उस घर में एंड बहुत अजीब अजीब आवाजें सुनी, लाइक ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पे ऑलरेडी कोई रह रहा है। एंड उसने एक वीडियो ही भेजी है प्रूफ के लिए, सो लेट्स सी वीडियो में क्या है। ओके, ये एम्बर का फोन का कैमरा है भाई। शैडो खड़ा है ऊपर। ऐसा लगा उसने उस पर अटैक किया। ओके, मैं इसको एक बार और देखना चाहूंगा। ओके भाई, कोई खड़ा है, लिटरली कोई खड़ा है। व्हाट भाई, कितना ज्यादा डरावना है भाई। सोचो रात के टाइम पे तुम एक घर में अकेले हो और उसमें ऐसा कुछ हो रहा है भाई। अच्छा कि एम्बर वहां से भाग गई उसी दिन। ओके, सो इन लोगों ने एम्बर को अपने घर पे बुलाया हुआ है बात करने के लिए, एंड इसके बाद वो सीधा उस घर में जाने वाले हैं जहाँ पर ये डरावनी चीजें हुई हैं। ओके, सो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं एंड ये लोग एम्बर का वेट कर रहे हैं एंड ये बंदा ऑलरेडी डरा हुआ है। यप, ओके, सो अभी एम्बर आ चुकी है एंड इसकी शक्ल से ही पता लग रहा है कितनी डरी हुई है। यप, ये लोग अभी बैठ के बात करेंगे। ओके कूल, लेट्स सिट डाउन। भाई जितने भी ऐसा सस्पेक्ट होते हैं सर क्रीपी से क्यों लगते हैं मेरे को, मतलब ज्यादा बात नहीं कर रहे होते। ओके, सो अभी रात के 11 बज रहे हैं एंड ये बंदा इससे पूछ रहा है कि क्या वो और ज्यादा बता सकती है डिटेल में कि क्या हुआ। एंड ये बता रही है कि उसके अंकल उसके लिए वो घर छोड़ के गए थे कुछ वीक्स पहले, उसे उसकी चाबी मिली थी। एंड फिर जब वो प्रॉपर्टी देखने गई, जब वो गेट के अंदर घुसी वो गेट खुद से ही बंद हो गया। एंड जब ये सीढ़ियां चढ़ी रही थी तो उसे ऐसी अजीब सी आवाज सुनाई थी, यही वाली। भाई शैडो भी है इसमें, पता है। ओके, सो पहले इसको लगा कि वो रेडिएटर है या फिर कुछ और, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती चली, लाइक ऐसे जैसे कि वो चीज चाहती थी कि ये उसे सुने। ओके, सो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं एंड ये लोग उसी घर पे जा रहे हैं। भाई रात के टाइम पे, आर यू सीरियस? भाई अभी तो 12 भी बज गए रात के और ये ऑलमोस्ट घर के बाहर खड़े हैं। भाई क्यों आए ये लोग रात में, ये अंदर जाने की बातें कर रहे हैं घर के, व्हाट द हेल। ओके, ये ऑलमोस्ट एंट्रेंस पे आ गए हैं एंड गेट खोलने वाले हैं अभी। क्या भाई क्यों? ओ यप, यही सीढ़ियां हैं जिसकी बात कर रही थी लड़की। ओके, ये इसको बोल रहा है कि वो सोने के लिए कमरा ढूंढ ले एंड चेस्टर और ये कैमरा सेटअप करने वाले हैं ताकि रात में देख पाए कि होने क्या वाला है। ओके, ये अभी कैमरा सेटअप कर रहे हैं जगह जगह पर। अब एक ये लगा दिया। भाई घर भी थोड़ा टूटा फूटा सा है, नहीं ऐसा परफेक्ट नहीं है भाई, ऐसे घरों में ही भूत होते हैं, बता रहा हूँ। ओके, सो उन्होंने आई गेस सारे कैमराज लगा दिए हैं एंड ये इसको बोल रहे हैं कि वो भी सोने जा सकती है एंड ये सुबह फुटेज देखेंगे कि क्या हुआ है घर में। भाई व्हाट इफ इनको भूत मार, भाई सुबह क्या चेक करेंगे, आए ही क्यों हैं यहाँ पर। ओके, सो अभी ये लोग सोने जा रहे हैं, रात के 12:17 हो रहे हैं। ओके, ये लोग सोने जा चुके हैं। अब भाई ये सो गए हैं, बस कुछ अजीब ना हो प्लीज प्लीज। ओके, ये एम्बर का कमरा है, रात के 12:30 रहे हैं
कि ये लोग यहाँ पे सो रहे हैं। नहीं, सभी कुछ अजीब नहीं हुआ है, क्योंकि हॉलवे का कैमरा कुछ अजीब नहीं है अभी, सब सही है। पता सही चलता रहे भगवान, प्लीज भाई मैं डर जाऊंगा, प्लीज कुछ नहीं होना चाहिए। ओके ओ दो बज व्हाट भाई प्लीज, ये क्या है भाई, 2 बज के ऑलमोस्ट। ओके गायब गायब क्या, पर वो था क्या। ओके ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं एंड वो चीज भी नहीं दिख रही है जो अभी दिख रही। भाई भाई मैं नहीं देख पाऊंगा। ओ भाई वो पहला वाला अलग था, ये दूसरा अलग है। भाई तू तो व्हाट द हेल, आर यू सीरियस, ये क्या है, ये 2:08 हो रखे हैं भाई रात के टाइम पे, ये हो रहा है। गानों को गाने गा रही है वो थर्ड फ्लोर पे, तो गानों से क्या प्यार होता है भाई। ये दूसरा वाला भूत है, ये पहली वाली नहीं है जो पहले देखी थी अपन ने। ओके ये नीचे जा चुकी है, बट ये ऊपर आई क्यों थी। ओके अभी सुबह हो गई है एंड ये लोग उठ गए हैं। भाई तुम लोग फुटेज चेक करो बस प्लीज जो हुआ है ना। ओके अभी 6:40 बन हो रहे हैं सुबह के एंड ये लोग फुटेज चेक कर रहे हैं। भाई आप ये लोग यहाँ पे सो रहे हैं भाई, इनको हॉलवे का कैमरा देखो तुम प्लीज, तुम्हें दिखाई देगा। ओके भाई ओके थर्ड फ्लोर, ओ इन्होंने पहला वाला तो देखा ही नहीं भाई, ये वाला भी डरावना है। ये क्या है, लाइक सोचो तुम एक घर में सो रहे हो एंड उसका कैमरा चेक कर रहे हो, तो रात में ये सब रिकॉर्ड हुआ है, व्हाट द हेल भाई। क्या ये लोग थर्ड फ्लोर पे अभी चेक करने जाएंगे या थर्ड फ्लोर पे आ गए हैं चेक करने कि कोई है यहाँ पे या नहीं है, कोई नहीं मिलेगा इनको यहाँ पे। ओके सो इसको यहाँ पे एक चीज दिखी है, लाइक यहाँ पे एक अलमारी है जो कि डोर को ब्लॉक कर रही है, लाइक ऐसे लगी हुई है जैसे कि वो डोर कोई और खोल ही ना पाए, ये बीच में लगी हुई है, इसको हटा के डोर को खोलने का ट्राई कर रहे हैं। एंड इस बंदे का गैस है कि शायद ये लड़की इसी गेट से बाहर आई है, लेकिन रूम है उसका, लेकिन लोग ऐसा गैस कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या है। ओके ये लोग उस रूम में जा रहे, प्लीज क्यों जा रहे हो, व्हाट ये क्या है, मेटल चेस्ट, वो क्या है भाई, ये ब्लैक ब्लैक क्या है, बोतलें चढ़ती नहीं है वैसा कुछ है, ये ब्लैक ब्लैक है भाई, शिट ये डरावना लग रहा है मेरे को, सोचो ऐसा ड्रिप है चढ़ रही है उसकी, ब्लैक काला काला क्या है। ओके सो इन्हें एक रात में कुछ ज्यादा समझ नहीं आया तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग एक और रात यहाँ पे रुकेंगे। भाई क्यों, What the hell? भाई तुम इतना जी लियो बहुत है, निकल जाओ वहाँ से। पर देखो मैं बस बोल सकता हूँ ये लोग करेंगे अपने मन की। ओके ये लोग दिन के लिए घर पे चले गए एंड रात में वापस यहाँ पर आ गए। ओके अभी रात के 11:30 बज रहे हैं एंड ये वापस उसी घर पे जा रहे हैं। ओके ये लोग घर में आ गए हैं एंड कैमराज ऑलरेडी सेटअप्ड है, देखिए इसको बोल रहे हैं जस्ट ये आराम से सो सकती है, लेकिन लोग यहाँ पर हैं एंड उसको डरने की कोई जरूरत नहीं। एंड ये दूसरा बंदा बोल रहा है कि हो सकता है कोई ऐसा होमलेस लड़की हो जिसको घर से निकाल दिया गया हो एंड वो छुप छुप के यहाँ पर रह रही हो, लेकिन को अभी भी लग रहा है वो भूत है भाई, बट मैंने देखा है वो है। एंड उस पे ये लड़की बोल रही है कि हो सकता है वो लड़की इसके अंकल से कुछ ऐसा रिलेटेड हो, लाइक हो सकता है भाई, ये तो मेरे को भी लग रहा है। ओके ये दूसरी रात है, ये लोग सो चुके हैं, रात का 1 बज रहा है कि ये हिडन, उन्होंने उस वाले कमरे में भी कैमरा लगा दिया है जो ब्लॉक था जिसका गेट। ओके 4 बज गए हैं रात के, ओके ऑलमोस्ट सुबह हो गई है, ये तो सुबह के 4 क्या। ओह शिट भाई हॉलवे में ही दिखती है जो भी है। ओके ये कहीं जा रही है, क्या ओके 4 बज रहे हैं रात के, ये वापस कर क्या रही है भाई,
और देन ये हिडन रूम वाला कैमरा, एम्बर्स के रूम का कैमरा। ओके ये लोग मस्त सो रहे भाई, इनको पता भी नहीं है घर में क्या चल रहा है। ठीक है बेसमेंट, ओ भाई ये बेस क्या है, ये क्या निकाल रही है भाई, ये बहुत अजीब है, ये कैसे देख रहा हूँ मेरे को पता है कि इसने कुछ तो यहाँ से निकाला है। ये है क्या, ओ इसका हेल्प मी, ये मदद करने के लिए बोल रही है इसकी, इसको पता है कैमरा कहाँ लगा हुआ है। ओ नो भाई भाई भाई, वो पीछे कौन है, पीछे कौन है भाई, मेरे को लग रहा है ये लड़की यहाँ पे फंसी हुई है, एंड वो पीछे वाला जो था वो था गंदा वाला भूत, तो उसको भाई पकड़ के रखा हुआ है, वो मदद मांग रही थी भाई लिटरली। ओ नो भाई, इसके कमरे में क्यों आया ये। ओके सुबह के 5 बज गए, ओके ये उठ चुका है, नाइस नाइस नाइस, ओके अभी कुछ नहीं होने वाला एटलीस्ट। ओके सो ये बोल रहा है इसे कुछ तो अजीब लग रहा है इस घर में, एंड ये चेस्टर को उठाने वाला है अभी, एंड ये लोग फुटेज चेक करने वाले हैं। ओके सो ये लोग अभी उठ चुके हैं, एंड ये एम्बर को उठाने जा रहे हैं ताकि ये लोग फुटेजेस चेक कर पाए। यप ओ व्हाट, ये एम्बर लेटी हुई नहीं है, ये बैठी है, व्हाट भाई, वो एम्बर नहीं है शायद, प्लीज मैंने उसको एंटर करते हुए देखा था एम्बर के कमरे में। यप ये बोल रहे हैं वो अजीब सा बिहेव कर रही है, एंड वो नीचे नहीं आना चाहती, तो ये लोग अकेले ही फुटेज देख रहे हैं। ओके ओ यप यप, ये वही लड़की है, इन लोगों ने पहचान लिया उसको, ये कहीं जा रही है बेसमेंट में भाई, इन लोगों को हेल्प भी दिखाई देगा अभी, लेट्स सी ये लोग क्या करते हैं। उसने क्या वो हेल्प मांग रही है, एंड वो पूछ रहा है उसको हेल्प चाहिए क्यों। लोग एम्बर को चेक करने वाले हैं जब, ओ व्हाट इन्होंने वो भी देख लिया, या प्लीज प्लीज उसकी हेल्प करो प्लीज भाई। ये लोग अभी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके इनको डर लग रहा है कि शायद वो अभी भी यहाँ पे हो सकती है। ओके ये लोग एम्बर को उठाने जा रहे हैं, यप ओके वो नहीं, ये बेसमेंट में जा रहे हैं यप चेक करने, शायद वो उसकी हेल्प कर पाए। ओ अभी उनका कैमरा डिस्ट्रॉय कर दिया उस चीज ने, ओ एम्बर की चिल्लाने की आवाज आ रही है, व्हाट द हेल, व्हाट व्हाट, मैं उसे कैमरे में भूत गया था, मैं लिटरली ओ वो यहाँ पे नहीं है, चिल्लाने की आवाज आ रही है। ओके 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 एम्बर, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाई आर यू इन हियर, ओ कि ये बोल रही है उस चीज ने इसको यहाँ पे लॉक करके रख दिया था। ओ शिट, वो इसके पीछे पड़ गया है। सीरियस? भाई ये लोग भाग रहे हैं। ओके, भाई प्लीज। भाई वो जस्ट इनके पीछे है। ओके, ये कार में घुस रहे हैं ऑलमोस्ट, एंड यहाँ से निकलने वाले हैं। या, ओके, फाइनली। उनके घर पे पहुंच गए, एंड उसके बाद जो शॉकिंग चीज हुई है वो ये थी कि उसके बाद एम्बर ने उन्हें बताने से भी मना कर दिया कि उसके अंकल क्या करते थे, एंड इनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया ताकि ये लोग उसे कांटेक्ट ही ना कर पाए। लाइक ये सब देख के मुझे यही समझ आ रहा है उसके अंकल कुछ तो ऐसा गलत काम करते थे भाई। इसका मतलब यही है, वो दूसरा वाला जो मॉन्स्टर था ना, उसने उसको वहां पे पकड़ के रखा हुआ था भाई, जो भी हो, बट ये बहुत ज्यादा डरावना था।
मैंने जैसे तैसे देखा है। ओके, सो अभी वीडियो खत्म हो गया है फाइनली। ओके, सो या इसी के साथ अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो कि अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस और चाहिए तो। एंड या तुम लोग मेरे को इंस्टा पे ही फॉलो कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं तुम लोग मिलूंगा आगे और भी डरावनी वीडियोस में। टिल देन बाय।